सिर्फ आधा घंटा बचा है आखिरी दौर की वोटिंग में और इन सब के बीच राजनीतिक झड़पें की खबर हरियाणा में, लेकिन नजर हर किसी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महाराष्ट्र में। 68% वोटिंग हो चुकी है 5:30 बजे तक और हरियाणा का एक रिकॉर्ड हमेशा से रही, हम आपको बता दें, बड़ा महत्वपूर्ण है। सिर्फ 91 के चुनाव में यहाँ पर 65% वोट पड़े थे। इसके बाद जो भी चुनाव, जब भी, चाहे वो विधानसभा के हों लोकसभा के हों, बीते 20 बरस का इतिहास रहा हरियाणा का, 70% से ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर होती ही है। पिछली बार की वोटिंग तकरीबन 78% तक चली गई थी हरियाणा में। तो ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि हरियाणा में चुनाव को लेकर गजब का उत्साह रहता है। लेकिन बहरहाल महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो अपने आप में एक टापू बने हुए हैं, यानी वहाँ पर जो नेता खड़ा है उसकी पहचान है, उसकी विचारधारा है और वो पार्टी का सिरमौर भी है। उसमें एक जगह है करड़, जहाँ पर कि पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। रोहिणी हमारी संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। रोहिणी, कराड़ के बारे में कहा यही जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है जो कह रहा है मैं कोई दाग नहीं है मेरे दामन पे, बिल्कुल पाक साफ हूँ मैं, मुझे ही वोट दीजिए। अच्छा, महाराष्ट्र में जो हुआ उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं ही हूँ सब कुछ। कोई उत्साह इससे जगह है रोहिणी वहाँ पर? और एक तरह से जिस तरह से आप कह रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के लिए ये महासंग्राम से कम नहीं है। एक छोटा सा कुरुक्षेत्र ही बन रखा है यहाँ पे और वो तो अपनी तरफ से भी, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, लोगों के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए हुए हैं ये कहते हुए कि मैंने महाराष्ट्र के ऊपर, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैंने शासन किया है और ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, इसके आधार पर आप वोट करें। पर अहम सवाल यही है कि मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ इस पोलिंग बूथ में और करड़ में देखा जाए तो ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। पर अगर मैं लोगों से पूछूं, आप कह रहे हैं कि बदलाव की बात कह रहे हैं, बदलाव की बात होगी तो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं वोट करने के लिए? चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन क्यों आया नहीं मुझे भी पता नहीं लगा। अभी पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे खड़े हैं, उनके खिलाफ जो खड़े हैं काका जी, 35 साल 7 बार MLA रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला था और वो इंडिपेंडेंट होके वो खड़े हो गए उनके खिलाफ। शिवसेना और बीजेपी की कैंडिडेट्स भी यहाँ पे स्ट्रांग है, एक तरीके से एक यहाँ पे कुरुक्षेत्र चल रहा है, तो वोटर के मन में वो कन्फ्यूजन नहीं है कि किनको वोट करे, किस तरह से वोट किया जाए? कन्फ्यूजन तो है, लेकिन फिर भी अभी क्या हो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि वोटिंग क्यों कम हो रहा है। आपने एक बात कही कि आप यहाँ से 80 साल से आप कराड़ में हैं, इस बार आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन थोड़ा अलग था? हाँ जरूर, ये बिल्कुल अलग है। इस तरफ बिल्कुल सब ऐसा कोई डिसीजन कोई ले नहीं सकता कि इसमें क्या हो जाएगा, कौन इलेक्शन में विन होगा, कुछ समझ में नहीं आता इसमें। तो किस मुद्दे पे वोट दिया जा रहा है आपकी, आप जब वोट डालते हैं तो क्या मुद्दे हैं जो आप वोट डाल रहे हैं? अभी क्या है कि लोग कुछ समझते हैं कि अभी भाजपा का जो लोकसभा में अभी आया, उसी तरह राज्य में भी विधानसभा में कोई भाजपा आ जाए, उसमें कुछ फर्क हो जाए तो देखेंगे क्या और कुछ नया होता है क्या ऐसा। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये ज्यादातर यहाँ पे NCP कांग्रेस का यहाँ पे एक प्रभाव था इस पूरे इलाके में, पर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, पर वोटिंग तो बहुत कम, अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो बहुत ही कम है। चलिए, ये कन्फ्यूजन की बात है। हम अशोक सिंगल के पास चले, उससे पहले पंकजा मुंडे। दरअसल गोपीनाथ मुंडे को शिवसेना ने भी उसी रूप में राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जिस रूप में बीजेपी कर रही थी, वो बीजेपी के नेता थे। लेकिन ये एक बड़ा संयोग है कि कुनबी समाज हो, OBC का जो समाज हो, मराठा हो और जो ऊंची जाति हो, इन सबको विस्तार कहीं ना कहीं गोपीनाथ मुंडे के साथ मिलकर बीजेपी ने दिया। पंकजा मुंडे का क्या कहना था ये जरा सुनाते हैं। पंकजा मुंडे अपने पिता के गांव नाथरा में वोट दे के निकली हैं। पंकजा जी, सुबह से आप घूम रही हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ? अभी अच्छा माहौल नजर आ रहा है, शांति से अगर मतदान हो जाए तो लोगों को मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मतदान का होगा ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं अपने गांव में खुद के, मतलब मेरे पिता के जन्म गांव में, हमारे पूर्व पुरखों के गांव में, यहाँ ही मेरा मतदान होता है, वहाँ से मैं मतदान कर रही हूँ। आज मैं पहली बार मतदान के लिए पापा के बिना आई हूँ, तो सारे लोग भी बहुत व्यथित हैं, पर इसका इलाज कोई नहीं है। अभी मैं इस विजय की श्रद्धांजलि उनको अर्पण करूँगी। ये लोग जो आप भले कहते रही हैं कि मैं खुद से नहीं करती कि मैं रेस हूँ, लोग यहाँ पर बातचीत हो रही है, सब कह रहे हैं कि पंकजाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में अभ्यास करें तो ये देखिए कि लोगों के बीच में से ये घोषणाएं और मांग हुई है, मैंने तो कभी उस
मेरे पिताजी गुजर के 3 महीने हुए, मैं एकदम से सीएम को देखना चाहते थे। हाँ नेचुरली उनको देख, लोग भी देखना चाहते और बीजेपी के नेता सभी देखना चाहते थे। खुद मोदी जी ने कहा कि आज मुंडे साहब होते तो महाराष्ट्र में शायद मैं कैंपेनिंग करने भी नहीं आता। तो ये एक उनके बारे में एक आत्मविश्वास लोगों के मन में था और लोगों के बीच में से ये मांग उठ रही है जरूर, ये मैं परिचित हूँ इस बात से, पर मैंने उस ओर से कभी अपने आप को उधर धकेला नहीं है। ये पार्टी आदेश देती है तो मैं ऑफकोर्स जो भी आदेश पार्टी ने आज तक दिया है मैंने काम किया और आज आगे भी करूँगा। भी कह रही थी घर वालों को बेचा है, पापा की भी इच्छा थी कि जी, पर इस तरह से इतनी जल्दी ये सब होगा ये मुझे भी नहीं लगा था। विरासत का चेहरा सिर्फ पंकजा नहीं है, एक दूसरा चेहरा भी है, उन्हें भी देख लीजिए और सुन लीजिए। गोपीनाथ मुंडे जी के देहांत के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर उनकी बेटी प्रीतम मुंडे चुनाव लड़ रही हैं। प्रीतम जी, मुंडे जी की विरासत संभालने आ पाई हैं, कितना अलग लग रहा है? मुंडे जी है नहीं है, उनकी जगह अब आपको संभालना पड़ रहा है। देखिए, मेरा राजनीति में आना ही मुंडे जी के गुजरने के बाद है, तो मेरा जो राजनीति से संबंध आया है पर्सनल लेवल पे ये मुंडे जी के जाने के बाद ही है। फर्क तो बहुत है, उनके बिना कोई भी काम कर पाना ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी मुश्किल है। भावनिक तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हम देखें उनके समाधि पर मार रो पड़ी, आप लोग सहारा दे रहे थे, सबकी आंखें नम थी, काफी गमगीन माहौल था जी, क्योंकि आज हम, मेरे ख्याल से मेरा ये तीसरा टर्म है जब मैं वोट कर रही हूँ। अपने पिताजी के अलावा और अपनी बहन के अलावा जिंदगी में मुझे खुद के लिए वोट करना पड़ेगा, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या अंतर लग रहा है आपको जब ये पिता की विरासत संभालने निकली हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में आप घूम रही हैं, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन है? लोगों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ के जो लोग हैं वो पिताजी से बहुत जुड़े हुए हैं, पिताजी भी उनसे बहुत जुड़े हुए थे। ये इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो पिताजी से ही हुए हैं, तो लोगों का एक किस्म का भावनिक रिश्ता है उनसे। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो पिताजी ने हमेशा उनका नेतृत्व किया है, उनके मुद्दे उठाए हैं। गोपीनाथ मुंडे की खासियत थी, दिल्ली में भी थे तो हर शुक्रवार की रात फ्लाइट पकड़ते थे और पहुँच जाते थे अपने गाँव, और शनिवार रविवार वहीं गुजारते थे, फिर मॉर्निंग में निकलते थे वहाँ से फ्लाइट पकड़ना, फिर वापस लौटाना। इसलिए लोगों से बड़ा जुड़ाव गुंडे परिवार का था। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के भीतर दो तरह की कश्मकश है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर बीजेपी सत्ता में आने की स्थिति में आती है? पंकजा मुंडे का नाम अमित शाह ने लिया, तावड़े ने लिया, दूसरा सवाल ये था। एक तीसरा सवाल भी है कि अलग विदर्भ बन जाए तो विदर्भ संभाल लें देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र संभाल लें पंकजा मुंडे, और अगर दोनों एक रहे तो फिर बात नितिन गडकरी की दिशा में चली जाए। और नितिन गडकरी बार बार इससे इनकार करते हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अशोक सिंघल, आज भी आपने सवाल किया था गडकरी जी से कि आप राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने बड़े संत भाव में जवाब दिया, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल लोगों के जहन में ये है, आप चूंकि नागपुर में मौजूद हैं, क्या वाकई अलग विदर्भ को लेकर बीजेपी सीरियस है या पॉलिटिकल गेम खेल रही है? देखिए प्रसन्न, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले आपको, नितिन गडकरी अपने घर पर आराम फरमा रहे हैं, मैं उनके घर के नीचे ही खड़ा हूँ, वो वॉच कर रहे हैं पूरी चीज़ें अपनी, देख सकते हैं कि सामने नितिन गडकरी खड़े हुए हैं, रिजल्ट का जो एग्जिट पोल है उनका वेट कर रहे हैं, सामने देख सकते हैं उनका भक्ति निवास है, सामने खड़े हैं आप देख सकते हैं, उनसे थोड़ी देर में बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक अलग विदर्भ की मांग है, बीजेपी हमेशा से ये बात करती रही है कि छोटे राज्य की वो वकालत किया है, वाजपेयी के टाइम में 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तमाम बीजेपी ने बनाए थे। लेकिन मैंने नितिन गडकरी जी से ये सवाल पूछा था आज कि क्या आप जो विदर्भ अलग राज्य की मांग हो रही थी उसका समर्थन करते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने जो सवाल किया था कि वो महाराष्ट्र से मुंबई को अलग नहीं करेंगे, मुंबई को अलग करने का सवाल नहीं है, लेकिन विदर्भ राज्य का अलग बनाने की जहाँ तक बात है उसको हम चाहते हैं कि अलग हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं है, बेशक मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। लेकिन नितिन गडकरी की जहाँ तक बात है प्रसून, हम सबसे ज़्यादा कैंपेन नितिन गडकरी ने किया, काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे मौजूद हैं महाराष्ट्र में। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था लोकसभा के चुनाव में, उसी ढंग से नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया, और हालांकि वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, वो दिल्ली से यहाँ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या
पार्टी आलाकमान तय करती है। देवेंद्र फडणवीस का भी नाम जोर शोर से चल रहा है, नितिन गडकरी ने उनकी तारीफ की है, लेकिन देखना होगा कि क्या समीकरण बनते हैं और क्या बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेती है या उनको सिंगल लार्जेस्ट बनती है, उसके ऊपर तमाम चीज़ें निर्भर करेंगी। प्रसून, अच्छा एक सवाल का जवाब चाहिए कि कस्तूरचंद पार्क में नागपुर के प्रधानमंत्री मोदी रैली करने के लिए पहुंचे थे, तमाम उम्मीदवार विदर्भ के वहां पर मौजूद थे, वहां पर नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नितिन गडकरी जी का नाम मंच से लिया नहीं था, ये वहां के अखबारों में बॉक्स आइटम छपा था। तो क्या ये माना जाए कि एक अंदर में बीजेपी के कुछ चीज़ें चल रही हैं जिस दिशा में बीजेपी देखना नहीं चाहती है? जी प्रसून, मैंने बीजेपी के भीतर की कशमकश बाहर आ नहीं पा रही है। देखिए ये बात सही है, यहाँ भी चर्चा थी कि नितिन गडकरी का नाम नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, क्या वजह थी ये, मैं भी जब यहाँ पहुँचा तो लोगों ने काफ़ी चर्चा की, चाहे मीडिया हो आम लोग हैं, लेकिन एक बात ये भी थी कि देवेंद्र फडणवीस का जहाँ तक नाम है उनको मुख्यमंत्री पद के तौर पे देखा जा रहा है, ये आम चर्चा है। नितिन गडकरी भी ये बात बोलते हैं कि सबसे प्रबल दावेदार हैं, हालांकि चार लोग हैं लेकिन देवेंद्र फडणवीस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, नितिन गडकरी आना नहीं चाहते हैं। नितिन गडकरी की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी वो सेंटर में है, बड़े नेता, पार्टी अध्यक्ष बन रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कई कई पोर्टफोलियो है, तो उनका स्टेचर बहुत बड़ा हो चुका है, तो पार्टी को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे क्या जाना चाहिए जिस ढंग से उनकी वो उभर कर आए हैं, तो एक ये वजह भी है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की बहुत अच्छे इक्वेशन नहीं है, गोपीनाथ मुंडे गुट के देवेंद्र फडणवीस माने जाते हैं, नितिन गडकरी विनोद तावड़े ये एक ग्रुप के माने जाते हैं, तो कई वजह रही है, उस वजह से भी यहाँ चर्चा रही है कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी और उनके इक्वेशन इंटरनली बहुत अच्छे नहीं है, बेशक एक ही पार्टी में है लेकिन नितिन गडकरी बहुत बड़े नेता हो चुके हैं ये भी कहा जा रहा है, इसलिए पार्टी को ये लगता था नरेंद्र मोदी को कि देवेंद्र फडणवीस का जिस ढंग से महाराष्ट्र में वो उभरे हैं तो उनका और उन रैली में आकर के उनकी तारीफ की जानी चाहिए। चलिए पंकज खेलकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज खेलकर, जिस इलाके में मौजूद है, माना यही जाता रहा कि शरद पवार की यहाँ पर चलती थी, लेकिन पहली बार बारामती में पहुंचकर जो मोदी जी ने सभा की उसके बाद कई नए तरीके के कयास भी लगने लगे, वहां पर भी जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग निकल के आ रहा है वो कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, वजह इसकी क्या है? देखिए प्रसून, जो वोटिंग परसेंटेज दिन के पहले हिस्से में देखने को मिला तो वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर जो कलेक्टर के कचहरी से जो आंकड़े सामने आए हैं तो शहर की तुलना में ग्रामीण इलाके में जो वोटिंग सामने आ रहा है, जैसे जैसे दिन भी खत्म होने को आ रहा है तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यानी इंदापुर की अगर बात करें, हर्षवर्धन पाटिल का जो इलाका है, उनकी जो विधानसभा है, वहाँ पर 74% हुआ है और वही बारामती में 70%। तो ऐसे आंकड़े जो अलग अलग पॉकेट से, खासकर ग्रामीण भोर हो या खेड़ आलंदी हो, सब तरफ ऐसे 70 के आंकड़े आ रहे हैं और शहर में वो आंकड़े तकरीबन 54 और 60 तक पहुंच रहे हैं। तो यही देखा जा रहा है कि पिछले विधानसभा के तुलना में जहां पर 57% मतदान हुआ था, इस बार आंकड़े जो है वो 65 तक पहुंच जाएंगे। पर बारामती की जैसे आपने एक बात कही कि मोदी जी ने वहां पर आकर रैली की, तो उसके बाद एक उत्साह जो है वो जो विरोधी गुट में है, जो धनगर समाज है, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और वहां पर भी बारामती के बाहर वाले इलाके में भी लोग बाहर आकर वोट कर रहे हैं। तो आंकड़े जो है, जो जीत का मार्जिन है अजीत पवार का, वो बहुत कम हो सकता है। एक सवाल संजय यहाँ पर हम आपसे, हम इसके बाद हम ब्रेक लें और फिर उसके बाद हरियाणा जाए, एक सवाल है जैन में, बारामती का इलाका, बारामती कम शरद पवार का नाम पहले आ जाता है, जुजुमा पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ वोट अगर बड़ा है उस इलाके में, जो पश्चिमी महाराष्ट्र का पूरा हिस्सा जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे संवाददाता, ये मैसेज क्या है कि कहीं अपने कद को बनाए रखने के लिए भी लोग वहाँ पर निकले होंगे पवार के लिए, या परिवर्तन की स्थिति होगी? अभी तो ये कह पाना, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन करना कि सचमुच अगर बारामती के इलाके में ज़्यादा वोट हुआ तो क्या ये पवार के समर्थक में निकले हैं लोग, या कि भाजपा के समर्थन में लोग निकले हैं ज़्यादा वोट देने के लिए। लेकिन अगर 2014 के जो का जो चुनाव हुआ और उसमें जो टर्नआउट का जो कुछ एनालिसिस है वो दर्शकों को बताएं, 2014 के चुनाव में 70 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां टर्नआउट 15% या उससे भी ज़्यादा बढ़ा था, और उन 70 लोकसभा चुनाव में क्षेत्रों में से बीजेपी ने 67 सीटें जीती थी, लगभग सारी की सारी। और जैसे जैसे जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में टर्नआउट कम रहा था, उन सब जगहों पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट
जीतने की जो परसेंट था वो बहुत कम था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ये जो टर्नआउट हाई, जहाँ टर्नआउट दिखाई पड़ेगा, ये सब शायद परिवर्तन की का वोट होगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं, ये बता दें जानकारी। और जो लोकसभा, जिस चुनाव का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं कि उसी हवा में चीज़ें बह जाएंगी, उस वक्त भी 58 सीटों में से 15 सीटों पर एनसीपी ने अपने गढ़ को बचाया था। 17 सीट पर बीजेपी आगे चली थी, 12 सीट पर शिवसेना आगे चली गई थी। अदर्स बड़ी तादाद में थे, जो शुगर लॉबी वहाँ पर है, इंडिपेंडेंट तौर पे वो निकल कर आई थी और चुनाव उन्होंने लड़ा था। और राजू शेट्टी का भी वो इलाका उस घेरे में आता है जो कि इस वक्त बीजेपी के साथ है। ये बीजेपी के अनुकूल की स्थिति है। केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, लेकिन अपने घर में मौजूद हैं और छत पर या कहें टरिया पर चढ़ के वो अपना वी चिन्ह बना रहे हैं कि जीत मिल रही है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल नीचे है। लेकिन इन सबके बीच आज सुबह से बैडमिंटन कभी खेल रहे थे, कभी बड़े फ्रैंक रूप में नजर आ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन सब के बीच वो क्या, उन्होंने क्या कहा, हमारे संवाददाता के पास भी चलेंगे। लेकिन 6 तस्वीरें, दरअसल ये सितारों की तस्वीर है जो बॉलीवुड से निकली, यानी मुंबई में वोटिंग परसेंटेज चाहे कम रहे, पिछली बार भी बहुत कम रहा था, 46% वोट पड़े थे, लेकिन सितारे निकलते हैं और सितारे अपनी उंगली जरूर दिखलाते हैं कि देखिए हम सजग हैं और अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो संदेश भी देते हैं कि आप भी अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक वोट से चीज़ें उलट पुलट सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी मानकर चल रही है 10 बार एक वोट या एक सीट का चक्कर नहीं होगा, बल्कि बड़ी तादाद में होंगे। और एग्जिट पोल उसी सिलसिले में हम कर रहे हैं और इस बात को ले जाएंगे, दरअसल अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के जरिए आज बताने की कोशिश होगी कि किनके हिस्से में कितनी सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल काफ़ी करीब होते हैं, माना यही जाता है चुनाव परिणाम के। ब्रेक के बाद लौटते हैं, 6 बजेंगे, 6 बजते हुए वोटिंग का वक्त खत्म होगा और उसके बाद